Hey guys, it's Deepika and welcome to my channel. Welcome to this week's first new DIY craft video. तो आज आपको मेरे बैकग्राउंड में मेरी वॉल थोड़ी खाली खाली सी लग रही होगी, कुछ क्राफ्ट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं आपको। तो उसका रीजन ये है कि सेम क्राफ्ट देख के मैं खुद भी बोर हो चुकी थी, तो मैंने बहुत सारे क्राफ्ट्स यहाँ से रिमूव कर दिया। एंड ये जो बाकी बचे कुछ क्राफ्ट्स बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं, ये भी मैं जल्दी से रिमूव करने वाली हूँ। एंड जो भी मेरे नए क्राफ्ट्स मैंने बनाए हैं, उन सभी को मैं बैकग्राउंड में डेकोरेट करूंगी। तो अगर आपको मेरा बैकग्राउंड में एक और वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो बहुत हो गई अभी बाकी की बकबक, एंड अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो भी क्राफ्ट है, ये बहुत 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 ज्यादा सुंदर क्राफ्ट है। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली हम आज क्या क्या बनाने वाले हैं, बट आज के जितने भी क्राफ्ट्स मैंने बनाए हैं उसमें एक चीज कॉमन है, एंड वही चीज आज के हमारे सारे क्राफ्ट्स का हीरो प्रोडक्ट है। तो वो हीरो प्रोडक्ट मैंने सभी क्राफ्ट्स में कौन सा यूज किया है, ये तो आगे वीडियो आपको देखने से ही पता चलेगा। सो वीडियो बिना स्किप किए जरूर पूरा देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन इवन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स। गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस माय एनी फ्यूचर वीडियो। एंड नाउ एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट DIY नेम प्लेट बनाने के लिए मैंने एक ऐसा थिक MDF बोर्ड लिया है, एंड उसके ऊपर पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से पहले से ही इक्वल मेजरमेंट लेकर स्क्वायर शेप एंड लाइंस ड्रॉ कर दी है। अब मैंने मोल्डेड क्ले को अच्छे से मिक्स करके स्पॉन्ज की हेल्प से उसके पतली पतली सी कुछ रोप्स बना ली है, एंड ऐसे कुछ क्ले रोप्स बनाने के बाद मैं ग्लू की हेल्प से वन बाय वन सभी क्ले रोप्स को लाइन के अकॉर्डिंगली सेट करती जाऊंगी। तो एक्चुअली मेरे घर के लिए मुझे बहुत टाइम से एक नेम प्लेट बनानी थी, तो बिकॉज बहुत सारे क्राफ्ट मैंने बना लिए हैं बट अभी तक मैंने नेम प्लेट वाला क्राफ्ट ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज नेम प्लेट फाइनली बना ही लेते हैं। तो फिर क्ले को MDF बोर्ड पर लाइंस के अकॉर्डिंगली स्टिक करने के बाद मैंने यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से हमारा नेम लिख लिया है, यानी कि जैसे मिस्टर एंड मिसेस खेरनार, एंड फिर उसके ऊपर ग्लू की हेल्प से मोल्डेड क्ले को नेम के अकॉर्डिंगली MDF बोर्ड पर सेट कर दिया है। दिखने में तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी सा क्राफ्ट लगता है, बट ऑनेस्टली लिपन आर्ट बिल्कुल भी इजी नहीं है। I mean, प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, बट उसी के साथ ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्राफ्ट भी है। तो बेस पेंट के लिए मैंने आज जैसो यूज ना करके व्हाइट एक्रेलिक कलर यूज किया है। व्हाइट एक्रेलिक कलर सूखने के बाद मैंने नेम वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है उसको मरून कलर से पेंट कर दिया है, एंड फिर जो साइड के बचे हुए स्क्वायर शेप है वहां पर डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर पेंट कर दिया है। अब देखो पेंटिंग वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी आती है हमारे हीरो प्रोडक्ट की, जो कि है ये वॉलपेपर स्टिकर। तो एक्चुअली मुझे ये वॉलपेपर की डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज के सारे क्राफ्ट्स में मैं ये वॉलपेपर यूज करूँ। तो वॉलपेपर के डिजाइन वाइज मैंने इसके पीसेस कट करके उनको MDF बोर्ड पर जो स्क्वायर शेप बनाए है वहां पर चिपका दिया है। सभी वॉलपेपर स्टिकर्स नेम प्लेट पर लगाने के बाद मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर से अगेन पूरी नेम प्लेट का आउटलाइन कर लिया है। ऑल्सो जो हमारा फैमिली नेम है मिस्टर एंड मिसेस खेरनार, उसको भी व्हाइट एक्रेलिक कलर से बॉर्डर कर दिया है ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो। तो पूरी नेम प्लेट पर मैंने अच्छे से वर्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया है। तो देखो ऑलमोस्ट हमारी नेम प्लेट अभी बन के रेडी हो चुकी है, बट अभी भी ये थोड़ी सी खाली दिख रही है। तो इसका लुक और ज्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने ऐसे डिजाइन के कुछ कट पीस मिरर लिए हैं, एंड उनको अब नेम प्लेट में जो बीच का खाली पोर्शन है वहां पर ग्लू लगाकर वन बाय वन कट पीस मिरर्स को उस पर सेट करती जाऊंगी। एंड अब आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। सेकेंड DIY प्लांटर बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड के ऐसे कुछ स्क्वायर शेप पीसेस कट कर लिए हैं।
तो मुझे एक प्लांटर बनाना था, तो उसके लिए इसका बेस जो है मुझे थोड़ा मोटा चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने 2-2 कार्डबोर्ड पीसेस को एक दूसरे के साथ ग्लू के हेल्प से चिपका दिया है। तो ऐसे मैंने ओवरऑल 5 पीसेस तैयार करके उनको अगेन ग्लू के हेल्प से एक बॉक्स बनाते हुए स्टिक कर दिया है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई थिक बॉक्स होगा तो आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो। मेरे पास कोई बॉक्स नहीं था, इस वजह से फिर मुझे कार्डबोर्ड पीसेस को ऐसे बॉक्स के शेप में स्टिक करके यूज करना पड़ा। तो ये कार्डबोर्ड पीसेस अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपके रहे, इसके लिए मैंने ग्लू के साथ मास्किंग टेप भी यूज किया है। कार्डबोर्ड पीसेस से बॉक्स बनाने के बाद मैंने व्हाइट ग्लू में पानी ऐड करके पूरे बॉक्स पर टिश्यू पेपर लगा दिया है। तो यहाँ पर आप टिश्यू पेपर की जगह पे वैसे न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जो जो चीजें मैंने यूज किए हैं वही आप भी यूज करो। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल होगी आप वही यूज करके एक क्राफ्ट बना सकते हो। टिश्यू पेपर कार्डबोर्ड बॉक्स पर लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से सूखने के लिए रख दिया है। बॉक्स सूखने के बाद मैं इसको अभी व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट करूंगी। तो आज के सभी क्राफ्ट्स में मैंने बेस पेंट के लिए जेसो यूज ना करके व्हाइट एक्रेलिक कलर ही यूज किया है। तो मैंने यहाँ पर ओवरऑल व्हाइट एक्रेलिक कलर के 2 कोट अप्लाई किया है। व्हाइट एक्रेलिक कलर सूखने के बाद अगेन बारी आती है हमारे हीरो प्रोडक्ट की, जो कि है ये डिजाइन वाला स्टिकर। तो 1 by 1 मैंने सभी स्टिकर को बॉक्स के चारों साइड पर चिपका दिया है। वॉलपेपर स्टिकर बॉक्स पर लगाने के बाद भी ये प्लांटर थोड़ा सा खाली दिख रहा था, तो इसको भी और डेकोरेट करने के लिए मैंने डिफरेंट एक्रेलिक कलर्स एंड मंडला टूल को यूज करके स्टिकर के साइड पोर्शन में ऐसी कुछ डॉटेड डिजाइन बना दी है। तो चारों साइड से ऐसे डॉटेड डिजाइन बनाने के बाद मैंने अगेन ऐसे कुछ कट पीस मिरर लिए हैं एंड उनको भी प्लांटर के कॉर्नर पर ग्लू के हेल्प से चिपका दिया है। कट पीस मिरर्स प्लांटर पर चिपकाने के बाद मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर से प्लांटर के ऊपर वाली साइड को पेंट कर दिया है। तो फाइनली अभी हमारा DIY प्लांटर बनके रेडी है। तो एंड में मैंने इस पर अच्छे से वर्निश भी लगा दिया है, तो अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। थर्ड DIY की होल्डर बनाने के लिए मैंने ऐसे 2 रेक्टेंगुलर शेप कार्डबोर्ड लिए है। तो 2 कार्डबोर्ड मैंने इसलिए लिए है ताकि हमारे की होल्डर का जो बेस है वो स्ट्रांग बने, नहीं तो फिर आप इसको ज्यादा दिनों तक यूज नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये दोनों कार्डबोर्ड को ग्लू की हेल्प से एक दूसरे के साथ चिपका दिया है एंड फिर इनके एजेस को मास्किंग टेप से भी कवर कर दिया है। सिमिलरली मैंने ऐसे कुछ अगेन स्क्वायर शेप के छोटे छोटे कार्डबोर्ड पीसेस कट करके उनके एजेस को भी मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। सभी कार्डबोर्ड पीसेस पर मास्किंग टेप लगाने के बाद अब मैं इनको पेंट करूंगी। तो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड को पेंट करने के लिए मैंने स्काई ब्लू कलर यूज किया है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहती थी, दैट मीन्स बेस में लाइट ब्लू कलर एंड जो कार्डबोर्ड टाइल्स हमने बनाए हैं उस पर डार्क ब्लू कलर। तो सभी कार्डबोर्ड पीसेस पर मैंने सिर्फ साइड से ही पेंट किया है क्योंकि अंदर के साइड में मुझे वॉलपेपर स्टिकर लगाने हैं इसलिए। तो सभी कार्डबोर्ड पीसेस को पेंट करने के बाद मैंने 1 by 1 सभी कार्डबोर्ड टाइल्स को बेस कार्डबोर्ड पर सेट कर दिया है एंड अब सभी कार्डबोर्ड पीसेस पर मैंने वॉलपेपर स्टिकर चिपका दिए है ताकि ये बिल्कुल एकदम डिजाइनर टाइल्स जैसे दिखे। अब हमने जो कार्डबोर्ड टाइल्स बना ली है इसका लुक और ज्यादा इनहेंस करने के लिए मैंने 000 ब्रश एंड व्हाइट एक्रेलिक कलर की हेल्प से इस पर कुछ ऐसे रैंडम से डिजाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। तो तीनों कार्डबोर्ड टाइल्स पर मैंने डिफरेंट डिजाइंस बनाए हैं एंड उसी के साथ मैंने बेस कार्डबोर्ड को भी डार्क ब्लू कलर से आउटलाइन करके उस पर भी ऐसे कुछ डिफरेंट से पैटर्न्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर मंडला आर्ट या फिर ट्राइबल आर्ट ऐसे कुछ डिफरेंट एंड यूनिक आर्ट के डिजाइंस बना सकते हो, बट मुझे कुछ ऐसे थोड़े सिंपल से डिजाइंस यहाँ पर चाहिए थे इसलिए फिर मैंने ऐसे कुछ लाइंस वाले पैटर्न्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं।
डिजाइन वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि दोनों क्राफ्ट्स में मैंने मिरर्स तो यूज किए हैं, तो क्यों ना इस क्राफ्ट में भी मैं कुछ मिरर्स यूज कर लूँ। तो इसलिए फिर मैंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के कट पीस मिरर्स लेकर उनको ग्लू की हेल्प से सभी कार्डबोर्ड टाइल्स एंड बेस कार्डबोर्ड के कॉर्नर पर चिपका दिया है। मिरर स्टिक करने के बाद मैंने बहुत टाइम पहले एक क्ले आर्ट बनाया था एंड उस टाइम पे एक्स्ट्रा क्ले बच गया था एंड मुझे उसको फिर वेस्ट नहीं जाने देना था, इसलिए फिर मैंने उस टाइम पे क्ले से ऐसे कुछ हुक्स बना लिए थे ताकि मुझे ये कभी ना कभी काम आ जाए। तो देखो आज के क्राफ्ट में मुझे ये हुक्स काम भी आ गए। तो इन क्ले हुक्स को हमारे की होल्डर पर चिपकाने के लिए मैंने अगेन मोल्डेड क्ले ही लिया है। तो मैंने पहले की होल्डर पर ग्लू लगाकर उसके ऊपर मोल्डेड क्ले लगाया है एंड फिर ये क्ले हुक्स को उस मोल्डेड क्ले के ऊपर स्टिक कर दिया है ताकि ये कभी भी नीचे ना गिरे। अब मैंने एक मैक्रमे रोप लेकर उसको की होल्डर के पीछे से अटैच कर दिया है। एंड में मैंने पूरे की होल्डर पर अच्छे से वर्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया है। तब इतनी सारी मेहनत कर ली है तो आप इसका अभी फाइनल रिजल्ट देख लो। आई होप कि आपको आज के मेरे सारे DIY क्राफ्ट आइडियाज पसंद आए होंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट दैट इन टुडेज वीडियो विच DIY क्राफ्ट आइडिया यू लाइक द मोस्ट। ऑल्सो रिसेंटली मैंने कुछ क्राफ्ट सप्लाईज परचेस किए हैं फ्रॉम मीशो Amazon। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसका एक सेपरेट हॉल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करना। एंड इसमें से अगर आप कोई भी आइडिया रिक्रिएट करते हो सो मेक श्योर टू टैग मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड या शॉर्ट्स तो मैं हर रोज अपलोड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।